अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी। आलू बैंगन की ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हम यहाँ पर हमने लिए हैं 250 ग्राम के करीब बैंगन। ये थोड़े बड़े ही साइज़ के हमने बैंगन लिए हैं। इसका ऊपर का डंठल हमें इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद इसको हमें बीच से कट करना है और इसके हमें 3 पीसेस कर लेने हैं। तो इस तरह से आप अगर बैंगन काटेंगे तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो आप चाहें तो इसे लंबे लंबे पीस में भी कट कर सकते हैं, पर हम इस तरह से क्यूब्स में कट कर रहे हैं। और इसको कट करते ही इसे हम पानी में डाल देंगे ताकि ये हमारे बैंगन काले नहीं पड़े, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो सारे बैंगन हमने कट करके पानी में ऐड कर दिया है। अब इसी तरह से हमें आलू को भी पील कर लेना है, सारा छिलका उतार देना है इसका हमें। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम बैंगन लिए थे, तो 200 ग्राम इसमें हम आलू ऐड करेंगे। तो ये 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो सारा छिलका हमने इस तरह से इसका निकाल दिया है। तो जिस तरह से हमने बैंगन को कट किया था क्यूब्स में, तो उसी तरह से हमें आलू को भी क्यूब्स में ही कट करना है। तो इसको हम काटते जाएंगे और डायरेक्ट ही पानी में इसे हम डालते जाएंगे ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। तो जिस तरह से बैंगन जल्दी से काले हो जाते हैं, आलू भी उसी तरह से काले पड़ जाते हैं। तो दोनों हमने पानी में कट करके ऐड कर दिया है, तो ये बनाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। 1 कप हम सरसों का तेल इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हमने धुआंधार तरीके से ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम हींग ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच ही इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मसाले जब तड़क जाएं उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन फ्राई, जब तक के थोड़ी ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और कलर भी इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेगा इसको फ्राई करने में। तो ये आप देख सकते हैं प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, जिस तरह से हमें चाहिए थी। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और डायरेक्ट ही इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मिर्ची जलने लगती है। तो थोड़ा सा पानी आप ज़रूर ऐड कर दीजिए जब मिर्ची आप इसमें डालें। तो इन मसालों को हमें 2 से 3 मिनट तक के भून लेना है, जब तक इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें नमक ऐड कर देना है, करीब 1 चम्मच इसमें हम नमक यूज़ कर रहे हैं। और 1 चम्मच के करीब इसमें हम किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है हमें, जब तक कि इसमें से कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो अब इसमें हमें आलू ऐड कर देना है। तो डायरेक्ट पानी से आलू निकाल कर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले आलू में अच्छे से लिपट सकें। तो 1 मिनट तक की इसे हमें भून लेना है मसालों के साथ ही। तो ऑलमोस्ट हमारे आलू भी अच्छे से भून चुके हैं मसालों के साथ। तो अब इसमें हमें बैंगन ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, जिस तरह से हमने कट किया था उसी तरह से इसका कलर है अभी भी। अब इसमें हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं। तो इसको भी हमने इस तरह से क्यूब्स में ही कट किया है और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, सारे मसाले आपस में अच्छे से मिलजुल जाएँ। तो है ना कितना सिंपल इस रेसिपी को बनाना। तो अब इसको हमें कवर कर देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के, मीडियम टू लो पे हमें इसको कुक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो इस सब्ज़ी में हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बैंगन भी पानी छोड़ता है। तो उसमें ही है ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो जितना भी इसमें पानी बचा है अब इसको हमें खुश्क करना है। तो यहाँ पर अब हमने ऐड किया है शिमला मिर्च। ये 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को हमने इस तरह से बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको 2 मिनट तक के हमें मिक्स करना है ताकि अच्छे से ये शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए। तो ज़्यादा हमें इस शिमला मिर्च को गलाना नहीं है, बस सॉफ्ट ही करना है। तो अब इसमें हमें 6 से 7 हरी मिर्ची ऐड कर देना है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी हमने हरी मिर्ची ली है,
आपके पास अगर बड़ी हो तो आप उसमें कट लगाकर भी ऐड कर सकते हैं। छोटी थी तो हमने साबुती डाली इसमें। अब इसमें हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो है ना कितना आसान इस सब्ज़ी को बनाना, और हमने इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इसमें कम मसाले भी डाल करके बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसे हमें डिश आउट कर लेना है। तो इस सब्ज़ी को आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, लंच हो या डिनर हो, बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी लगती है। तो आप लोग इस सब्ज़ी को किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी हो, पराठा हो या फिर चावल हो, सबके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।